यस्तु अर्चित, जिसकी वो अर्चना कर रहे थे, महादेव शिव सर्व जगत गुरु, जिस महादेव की, शिव की, सब जगत सर्व जगत गुरु की, जो जगत गुरु हैं, शिव हैं, महादेव हैं, यह तु अर्चित, जिसकी वो अर्चना कर रहे थे। गुरु रवज्ञा कृतम पापम राक्षसत्वेन युक्तवान। अब बताओ, कर लो पूजा। वो पूजा में लगे हुए थे, इन्होंने कहा कि तुम राक्षस बन जाओ, क्योंकि आपने क्या कर दिया, गुरु की अवज्ञा कर दी। उवाच प्रांजलि भूत्वा विनयेषु च कोविदः। तो तब इन्होंने क्या कहा, क्या किया, उवाच प्रांजलिर भूत्वा, हाथ जोड़ करके और विनय पूर्वक जाके फिर गुरुजी से ही कहा, विनयेषु च कोविदः, भगवन सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन सुरेश्वर क्षमस्व भगवन सर्वम अपराध कृतो मया। हे भगवन, आप तो सर्वधर्मज्ञ, सब धर्मों को जानने वाले हैं, और सर्वदर्शी हैं, सर्वदर्शिन, सुरेश्वर, सुरों के भी, माने सुर मतलब देवता, देवों के भी देव हैं आप तो, सुरा नाम ईश्वर है, सुरेश्वर है, क्षमस्व, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सर्वम अपराध कृतो मया, मैंने ये बिल्कुल अपराध किया आपके लिए, तो मेरे द्वारा किए हुए इस संपूर्ण अपराध को आप क्षमस्व, क्षमा कर दीजिए। तो वो एक वो सुना सुना है ना श्लोक, गुरु और ब्रह्म में कौन बड़ा है? नहीं नहीं, वो नहीं, गुरु गोविंद वाला नहीं। हरी हरी रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। तीन लोक नौ खंड में, ऐसा है कुछ, तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा ना कोई। हरी रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। भगवान रूठ जाए, भगवान रूठ जाए मतलब सब कुछ हरण कर ले, धन संपत्ति घर परिवार, तो ऐसे बोलते हैं ना भाई, भगवान रूठ गए हमारे से, हमारा सब कुछ ले लिया। तो भगवान रूठ जाए तो गुरु की शरण में चला जाता है व्यक्ति, तो गुरु उसको अपना लेते हैं, कोई बात नहीं तू अब अध्यात्म में लग। लेकिन गुरु रूठे नहीं ठोर, गुरु रूठ जाए तो भगवान में लग जाओ। भगवान अपनाते तो नहीं है, भगवान ने तो उल्टा शाप और दे दिया, तो भगवान उसको अपनाते नहीं है फिर। यही तो हो गया, उन्होंने गुरु की अवज्ञा की तो इन्होंने उनको शाप दे दिया, तो अब शाप मुक्त होने के लिए पुनः कहाँ गए, गुरु की ही शरण में गए। आगे गौतम ने क्या कहा, ऊर्जे मासे सिते पक्षे रामायण कथामृतम नवान्हा चैव श्रोतव्यम भक्तिभावेन सादरम नात्यंतिकं भवेदेतत् द्वादशाब्दं भविष्यति केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै एतत् सर्वं महाप्राज्य संक्षेपाद् वक्तुम् अर्हसि मनसा प्रीतिमापन्नो ववन्दे चरणौ गुरौ श्रीणु रामायणं विप्र वाल्मीकि मुनिना कृतं येन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः हतास्तो देव कार्यं हि चरितं तस्य तच्छृणु कार्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु नवमे हनि श्रोतव्या सर्व पाप प्रणाशिनी। तो गौतम ऋषि ने कहा कि भाई, ऊर्जे मासे सिते पक्षे रामायण कथामृतम नवाहना चैव श्रोतव्यम भक्ति भावेन सादरम, भक्ति भाव से अब तुम रामायण की कथा सुनो, और कब सुनो, ऊर्जे मासे, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में
तुम रामायण की कथामृत को 9 दिन तक भक्ति भाव से और आदर पूर्वक सुनो। न आत्यंतिकं भवेत एतत् द्वादशाब्दं भविष्यति। तो इस कथा को यदि आप भक्ति पूर्वक और आदर पूर्वक सुनोगे तो द्वादश आब्दम आत्यंतिकम न भवेत एतत्। ये जो शाप है ये 12 दिन से ज्यादा नहीं ठहरेगा, 12 वर्ष, सॉरी माने 12 वर्ष आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो पहले सुनते थे ना, वो वहां जंगल में गए, उन्होंने 12 वर्ष तप किया। तो 12 वर्ष का मतलब ऐसा ये मानते हैं कि इतने काल अवधि में तो बड़े से बड़ा किया हुआ पाप भी नष्ट हो जाता है। तो उससे पहले भी हो सकता है, तो किसी को 6 साल में तो ज्ञान हो जाता है, किसी को 3 साल में भी हो जाता है, किसी को 10 साल में भी हो जाता है। पर यदि व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से और पूरे आदर से निरंतर लगा रहे तो मैक्सिमम अवधि क्या बता दी, 12 वर्ष। न अत्यंतिकम, इससे ज्यादा नहीं होगा ऐसे कह रहे हैं। न अत्यंतिकम द्वादशाब्दम एतत् भवेत्, ये तेरा शाप इससे ज्यादा नहीं रह सकेगा। केन रामायणम प्रोक्तम चरितानि तु कस्य वै एतत् सर्वं महाप्राज्य संक्षेपाद वक्तुम अर्हसि। तो सनत कुमार आदि विप्रो ने पूछा कि ये रामायण फिर किसने कही उसको, केन प्रोक्तम, चरितानि तु कस्य वै ही, और उसमें कौन कौन से चरित्र हैं, किनका वर्णन किया गया। एतत् सर्वं महाप्राज्य, हे नारद, हे महाप्राज्य, वो अपने आप को कह रहे हैं क्षुल्लधीहि, और ये सनत कुमार उनको क्या कह रहे हैं, महाप्राज्य। हे महाप्राज्य, उसको संक्षेप में जरा कह दीजिए। मनसा प्रीतिमापन्नो ववंदे चरणौ गुरोहो। तो मन ही मन अपने गुरु के चरणों में उसने प्रणाम किया। श्रृणु रामायणम विप्रह वाल्मीकि मुनिना कृतम येन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः। तो अब इन्होंने कहना शुरू किया, सौदास किससे सुन रहे हैं, अपने गुरुजी से सुन रहे हैं, गौतम से सुन रहे हैं, और वहां इस कथा को सनत कुमार किससे सुन रहे हैं, नारद जी से सुन रहे हैं। तो ये कथा गौतम ने कही और अपने शिष्य सौदास के लिए कही। श्रृणु रामायणम विप्रहे, विप्र उस रामायण को सुनो जो वाल्मीकि मुनि ना कृतम, वाल्मीकि मुनि जिसके प्रणेता हैं, ऐसी रामायण को सुनो। ये न राम अवतारेण, उस रामायण के द्वारा क्या हुआ, राम का अवतरण, और राम अवतारेण राक्षसा रावणादयः, और उसमें राम और रावण आदि राक्षसों का संहार किया उस अवतार से। हतः हतस्तु देव कार्यम ही चरितम तस्य तत् शृणु। कार्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु नवमे अहनि श्रोतव्या सर्व पाप प्रणाशिनी। तो उनका संहार किया और देवताओं का कार्य सिद्ध किया। हतास्तु रावणादय राक्षसा राम अवतारेण, और देव कार्यम ही चरितम, देवों के कार्य को चरितार्थ किया। तस्य तत् शृणु, उस इस रामायण को आप सुनिए। कार्तिकी च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु नवमे अहनि श्रोतव्या। तुम इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में वो जो रामायण है उसका श्रवण करो, और नवमे अहनि सर्व पाप नाशिनी श्रोतव्या, 9वें दिन तक माने प्रतिपदा से लेके 9वीं तक रामायण की कथा सुननी चाहिए और सब पापों का नाश करने वाली है। इत्युक्त्वा च अर्थ संपन्नो गौतमः स्व आश्रमम ययौ। ऐसा कह करके अर्थ संपन्न गौतमः, अर्थ से संपन्न गौतम स्व आश्रमम ययौ, अपने आश्रम को चले गई।
विप्रो अपि दुखम आपन्नो राक्षसीम तनुम आश्रित। और इधर जो शिष्य था सुदास या सोमदत्त, ये भी दुखम आपन्न दुख से युक्त होकर के राक्षसीम तनुम आश्रित राक्षसी शरीर को इसने प्राप्त किया। राक्षसी शरीर क्या है? जब मन व्यक्ति का खिन्न हो, परेशान हो, तनाव युक्त हो, टेंशन युक्त हो, वही राक्षसी शरीर है। अलग योनि भी होती है, लेकिन इस शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति कभी दैवी स्थिति को प्राप्त होता है, कभी मानुष स्थिति को प्राप्त होता है, कभी राक्षसी स्थिति को प्राप्त होता है। दैवी स्थिति को हम कब प्राप्त होते हैं? जब हम बहुत शांत होते हैं, भक्ति भाव से भरे होते हैं, श्रद्धा से भरे होते हैं, दूसरे की हेल्प करने के लिए अपनी इच्छा से उनकी सहायता करते हैं, तो ये क्या है? दैवी भाव। तब हम देवता के रूप में होते हैं। लेना नहीं है हमें कुछ भी उस समय। उस समय हमारे चित्त की स्थिति ये होती है, कोई लेने की लालसा नहीं है, स्वार्थ नहीं है, बल्कि सेवा करना चाहते हैं। और सेवा करते हुए भी बर्डन नहीं समझते, अपना अहोभाग्य समझते हैं। और हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है, प्रसन्न रहता है अंदर से, तो ये दैवी भाव हो गया। और राक्षसी भाव, तनाव में है, बहुत टेंशन में है, बहुत शिकायत के भाव में है, दूसरों को ब्लेम करने के भाव में है, दूसरों के बुरे आचरण से हमारा मन हिला हुआ है बिल्कुल, तो ये कौन सी स्थिति है? ये राक्षसी स्थिति है। और जो कर रहे हैं उसके बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए, तो लेन देन जहां चल रहा है ये मानुषी भाव है। मानुषी राक्षसी भाव में तो छीनने की इच्छा होती है, दैवी भाव में देने की इच्छा होती है, मानुषी भाव में लेना और देना दोनों भाव होते हैं। तो कई बार व्यक्ति जब बड़ों के प्रति अपराध कर देता है ना, तो वो फिर परेशान हो जाता है ना। व्यक्ति कर तो देता है, कभी भूल के, अज्ञान के कारण, जैसे मानो कि यहाँ आप बैठ के यज्ञशाला में पढ़ रहे हैं और स्वामी जी आ गए या गुरु जी आए या आचार्य जी आए और आपने देख भी लिया और फिर भी आप पढ़, मतलब ये शो कर रहे हैं कि मैं बहुत तल्लीनता से पढ़ रहा हूँ, तो ठीक है, वो भी घूम के चले गए, हाँ मेरे ब्रह्मचारी सन्यासी देखो कितने तल्लीन होके लगे हुए। लेकिन उनके जाने के बाद आपके मन में क्या भाव आता है? परेशान हो जाते हैं ना फिर, अरे ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, स्वामी जी आए थे और मैं तो उठा भी नहीं, अगर मैं उठता, प्रणाम करता, कुछ बोलता, तो वे मेरे को कुछ आशीर्वाद देते, कुछ पूछते, कुछ बताते, तो कितना अच्छा होता, मैंने चांस खो दिया। तो ये क्या है? राक्षसी भाव। गुरु ने, मतलब भगवान ने शाप दिया, मतलब भगवान कोई ऊपर से आके उसको ऐसे शाप दे गए, ऐसे नहीं है, हमारे हृदय में ही बैठे हैं भगवान। और जब हम कहीं ऐसे बड़ों की अवज्ञा करते हैं या वेद की अवज्ञा करते हैं, धर्म की अवज्ञा करते हैं, शास्त्र की अवज्ञा करते हैं, जो एक अनुशासन बनाया गया है देश का, गुरुकुल का, भगवान का, उसको कहीं ना कहीं तोड़ते हैं, तो हम अपने आप ही दुखी हो जाते हैं। हम खुद ही किस भाव को प्राप्त हो जाते हैं? राक्षसी भाव को। तो फिर वो तो कई बार बड़े तो माफ भी कर देते हैं, कभी तो उनको भी बुरा लग जाता है, कभी तो वो माफ कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब ऐसा कह के वो तो निश्चिंत बड़े वाले तो, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है, ये कभी बोलता भी ऐसे कि मैंने आज इतनी बड़ी गलती की कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे ये शब्द एक तो कभी नहीं बोलने चाहिए व्यक्ति को, अपने आप को भी माफ करना चाहिए, दूसरे को भी माफ करना चाहिए कि ठीक है अभी आगे से ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो भाव और ज्यादा राक्षसी भाव को ले आता है। तो ये तो अपने आश्रम में चले गए, इन्होंने कहा कि अब तुम अच्छी अच्छी बातें सुनो, उससे आपका ये दुख दूर होगा, श्री राम के चरित्र को सुनो आप 9 दिन तक, तो आपकी फिर से वो ऊर्जा ऐसे ही ऊपर उठ जाएगी, कोई बात नहीं है, ऐसे कह के वो तो चले गए अपने। और ये दुखम आपन्नः
राक्षसीम तनुम आश्रित है, राक्षसी शरीर का इसने आश्रय लिया। क्षुत पीड़ित पिपासार्तो नित्यम क्रोध परायण कृष्ण क्षपाद्युतिर्भीमो बभ्राम विजने वना मृगांश्च विविधांस्तत्र मनुष्यांश्च सरीसृपान् विहगान् पलगांश्चैव प्रसभात्तान् अभक्षत अस्थिभिर्बहुभिर्विप्रा पीतरक्तकलेव दप्रेतकेशश्च तेनासीद भूभयंकरी ऋतोत्रये स पृथिवीं शतयोजनस्त विस्तराम् कृत्वाति दुःखितां पश्चात् वनांतरम् अगात् पुनः तत्रापि कृतवान् नित्यं नरमांसाशनं तदा जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकर एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चिद् विप्रोति धार्मिकः कलिंग देश संभूतो नामना गर्ग इति वहन गंगा जलम स्कंदे स्तुवन विश्वेश्वरं प्रभुं गायन नामानि रामस्य समायातोति हर्षित। तो अब ये कैसे रहने लगा, क्षुत पीड़ित, भूख प्यास से पीड़ित, पिपासार्त, क्षुत पीड़ित पिपासार्त, क्षुत मतलब भूख, पिपासा मतलब प्यास, भूख प्यास से पीड़ित, उससे तप्त, नित्यम क्रोध परायण, और जब खाने को भी ना मिले, पीने को पानी भी ना मिले तो क्या आता है फिर, गुस्सा। गुरुकुल में ना खाने को दें आपको, ना पानी पीने को दें, और बोले पढ़ते रहो तो फिर क्या आएगा, क्या आएगा, इतने धीरे क्यों बोल रहे हो, या कुछ और आएगा है, मूर्छा, कुछ कह रहे हैं, गुस्सा नहीं मूर्छा आएगी, ऐसे कह रहे हैं। तो कह रहे हैं नित्यम क्रोध परायण क्षुत पीड़ित पिपासार्त कृष्ण क्षपा द्युति भी द्युति भीमो बभ्राम विजने वना। तो रंग कैसा हो गया शरीर का, कृष्ण, कृष्ण क्षपा द्युति भी द्युतिर्भीमो, और उसकी भीम, भीम मतलब भयानक, भयानक रूप से कैसा हो गया, काले रंग का, कृष्ण रंग, कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान। कृष्ण क्षपा द्युतिर्भीमो बभ्रामा, बभ्रामा विजने वन, भ्रमण करने लगा विजन वन में, जिस वन में कोई जन नहीं रहते हैं उसको विगत जनह वनह, विगता जनह यस्मात तत विजन। मृगांश्च विविधांस्तत्र मनुष्यांश्च सरीसृपान, और वहां पर रहते कौन थे, मृग बहुत प्रकार के, और सरीसृपान सांप बिच्छू, सरीसृप मतलब रेंग कर चलने वाले, तो सभी रेंग कर चलने वाले थे, और मृगाश्च मतलब दौड़ने वाले, केवल हिरण के लिए नहीं कहा मृगा, वन में रहने वाले पशुओं को कहा जाता है मृगा, और गांव शहर में रहने वालों को कहा जाता है ग्राम्या। तो जंगली प्राणी थे वहां पर, और रेंगने वाले सांप बिच्छू आदि थे, और मनुष्यांश्च कुछ मनुष्य भी थे, और वो मनुष्य भी इनको खा जाने वाले थे। विहगान प्लवगांश्चैव प्रसभात्तान अभक्षत, तो इन पक्षियों को, विहग माने पक्षी, और प्लवगांश्च प्लोंग गतौ जो गति करते हैं अर्थात बंदर आदि, प्लवगांश्चैव प्रसभात तान अभक्षत,
तो ये जो सांप बिच्छू आदि थे उनको पकड़ करके वो खा जाते थे। अस्थि भी बहु भी विप्रा पीत रक्त कलेवर ही, हे ब्रह्म ऋषियों हो, रक्ताद प्रेतकैश्चैव तेनासीद भू भयंकरी। उस राक्षस के द्वारा ये पृथ्वी बहुत सी हड्डियों और लाल पीले शरीर वाले रक्त पाई प्रेतों से परिपूर्ण होकर अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। मतलब इतना बड़ा राक्षस बन गया क्या? ओहो, पीत पीला रक्त लाल, पीत रक्त कलेवरई ही, अस्थि भी बहु भी विप्राहा, हे विप्रो, रक्त आदा प्रेतकैश्चैव तेन आसीद भूह भयंकरी। तेन उस राक्षस से ये भूह भयंकरी भयानक हो गई। अस्थि भी बहु भी बहुत सारी अस्थियों से युक्त हो गई, और पीत रक्त कलेवर ही पीले और लाल रंग के कलेवर वाली। पीले रंग की किससे हुई? हड्डियों से। हड्डियां तो पीली होती हैं कि व्हाइट हो, सफेद होती हैं। तो पीत कैसे हुआ फिर? लाल पीले शरीर वाले रक्त पाई प्रेतों से। नहीं, पीले शरीर कैसे होते हैं? इनके तो काले होते हैं प्रेतों के, तो होते होंगे जैसे जैसे भी होते होंगे आप। अस्थि भी बहु भी विप्रा पीत रक्त कलेवरी, काले पीले शरीर। नहीं, कभी कभी मतलब जिनका बेढंगा शरीर होता है उसके लिए भी तो ये शब्द प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कुछ ऐसे बच्चे आते हैं कि उनका शरीर डामाडोल ऐसे ही होते हैं, अस्त व्यस्त थे, अस्त व्यस्त से, तो फिर कहते हैं ऐसे काले पीले बच्चे थे वहां पे। तो काले पीले बच्चे थे मतलब अस्त व्यस्त से थे बेचारे, तो पीले तो होते नहीं है वैसे। तो ऐसे वो जीवन जीने लगा। ऋतु त्रये से पृथ्वीम शत योजन विस्तराम कृत्वा अति दुखिताम पश्चात वनांतरम अगात पुनः। तो ऐसे वो कब तक रहने लगा? ऋतु त्रये, दो दो महीने में एक ऋतु बदलती है भारत में, इसलिए भारत केवल मात्र एक ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतुएं होती हैं। तो अभी तो थोड़ा चेंज हो रहा है, वो ऋतुओं का क्रम भी थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, वरना 6 महीने हैं तो उसमें दो दो महीने की एक ऋतु, सर्दी गर्मी वसंत हेमंत शिशिर बरसात, ऐसे 6 ऋतुएं हैं। तो ऋतु त्रये 3 ऋतु तक, 3 ऋतु मतलब 6 महीना। ऋतु त्रये से पृथ्वीम शत योजन विस्तराम, 100 योजन तक जो फैली हुई है इस पृथ्वी पर, कृत्वा अति दुखिताम पश्चात वनांतरम अगात पुनः। तो अत्यंत दुखी होकर के वो 6 महीने विस्तृत भूभाग के ऊपर रहता रहा, और पुनः, और वो क्या करता रहा? एक वन से दूसरे वन में, तीसरे वन में, चौथे वन में, ऐसे घूमता रहा। अति दुखिताम पश्चात वनांतरम अगात पुनः, दूसरे वन में चला गया, एक के सारे प्राणियों को खा गया, वहां हड्डियों का ढेर लगा दिया, और वहां बहुत सारे जो प्राणी थे उनको भी प्रेतात्मा बना दिया। और फिर जब वो जंगल खाली हो गया तो दूसरे में चला गया। मतलब ये इसको कहते हैं कि उसकी पराकाष्ठा, व्यक्ति यू टर्न भी कहाँ से लेता है, मुड़ता कहाँ है व्यक्ति, जब वो एक अच्छाई या बुराई की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। ये बीच वाले इसीलिए कहीं पहुंचते नहीं, क्योंकि टर्न लेते ही नहीं, ये थोड़े ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। तो इसलिए ना टर्न होता है ना आगे चढ़ाई होती है, वहां पर ही कदम ताल होती रहती है सामान्य लोगों के जीवन की। थोड़े से दिन यम नियम पढ़ाई वो सब करेंगे, अच्छे से जिएंगे, फिर थोड़े से दिन एक बार उसको तोड़ा तो फिर 10-15 दिन पूरा ब्रेक लेंगे, फिर 10-15 दिन में मन करेगा ये क्या कर रहे हैं, तो फिर लगेंगे हिम्मत करके, फिर महीना 20 दिन उसमें अच्छे से लगेंगे, फिर ब्रेक ले लेंगे, ऐसे होता है सामान्य का।
और जिनके जीवन में परिवर्तन आना है वो या तो फिर बहुत पराकाष्ठा पे जाते हैं, वो फिर वहां से तो मतलब एक सीढ़ी पे आप चढ़ोगे तो कितने चढ़ोगे, एक तो एंड पॉइंट आएगा ना, तो फिर व्यक्ति नीचे उतरने लगता। और नीचे भी कहां तक नीचे उतरोगे, जब बिल्कुल धरती के ऊपर ही टिक गए तो अब यात्रा किधर चलेगी, अब फिर ऊपर उठना पड़ेगा। तो इसलिए दूसरे देशों ने यू टर्न ले लिया अभी, क्योंकि वो पराकाष्ठा पे पहुंच गए थे, भोग की पराकाष्ठा पे पहुंच गए थे, अनैतिकता की पराकाष्ठा पे पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने यू टर्न ले लिया। यहां अभी आगे पीछे चलता है, आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा को प्राप्त किया पहले, फिर वहां से वापस आ रही, अब वो बीच में ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे ना, जैसे मथुरा वृंदावन आदि जाके, तो जो गोरी महिलाएं हैं, बहने हैं, वो साड़ी पहन के वो करताल बजा रही हैं, वो ढोलक तबला बजा रही हैं, वो भजन कीर्तन कर रही हैं। और हमारी वाली बेटियां जींस भी छोड़ दी, अभी जींस से भी आधा पहन रही हैं। तो चलो इसको फिर शेष कल पढ़ेंगे, आज यही विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारी, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओ श्री गुरुभ्यो नमः।